हम दोनों ने लगाए तीन पोजीशन में 10 10 10 30। शुरू में एक पोजीशन में 10 नहीं लगते थे, पांच ही लगते थे पहले। अगेन आपकी मसल्स का और आपके माइंड का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है, और अपनी ग्रिप को टाइट रखें। इसको लूज छोड़ देंगे तो आपका आधा वर्कआउट कम हो गया। इसको पकड़ के रखना पूरा। 4 3 2 1 कर पुश। राम राम जी, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो अभी हमें विपिन देसी फिटनेस में, और अगेन आज मेरे साथ है निशांत और मनीष। चलो दम लगाओ एक बार। ये बहुत बढ़िया। तो अभी धीरे धीरे आप लोग देख रहे हैं प्रोग्रेस कितनी अच्छी आ रही है ना। तो मेहनत इनकी अभी कंटिन्यू है, और आज का टॉपिक हमारा दो चीजों के ऊपर होने वाला है। सबसे पहले मैं कराऊंगा वर्कआउट, और वर्कआउट यहाँ पे थोड़ा सा मैं अलग कराऊंगा, और उसके बाद हमारी रहेगी पोजिंग, पोज डाउन, और वो भी रहेगी मेंस फिजिक की। इन्होंने क्या कुछ सीखा है यहाँ पे आने के बाद, तो वो आप लोगों को दिखेगा इस वीडियो के अंदर। और जो भाई बिगनर्स हैं जिनको पोजिंग सीखनी है या इनकी तरह पोजिंग करनी है, आप लोग देखेंगे कितनी बेहतरीन पोजिंग यहाँ पे आने वाली है इतने कम टाइम में, इतने कम एज में। तो इस वीडियो के अंदर ये सब चीज़ें होने वाली है। तो मैं विपिन, ये मनीष, ये निशांत, चलिए आइए शुरू करते हैं। चलो भाई रेडी रहते पूरा, चलो बहुत बढ़िया। मैं कराऊंगा तीन वर्कआउट, और तीनों वर्कआउट में आप लोग देखेंगे इनकी पंपिंग कितनी बेहतरीन आने वाली है। सबसे पहला वर्कआउट जो मेरा फेवरेट है, और यहाँ जिम का एवरग्रीन वर्कआउट है, जो हमारी रहेगी तीन पोजीशन में। अभी पुशअप्स लगाएंगे, और पुशअप्स लगाने के बाद आप देखना पसीने, और जो एक इनका जो नेक्स्ट लेवल है ना, जो इनको मतलब पुश करना है, वो अभी कितना बेहतरीन निकल के आने वाला है। तो शुरू करते हैं दोनों की पुशअप्स सबसे पहले, तो वहाँ पे लगाएंगे। चलो भाई करो शुरू एक बार। तो अभी मैं आपको बता दूं यहाँ पे जो वर्कआउट होने वाला है तीन पोजीशन में होने वाला है। इस वर्कआउट को आप लोग भी करेंगे, जो बिगिनर्स है वो भी करेंगे, जिनके पास इक्विपमेंट नहीं है अगर आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फायदा पहुंचने वाला है। तीन पोजीशन में होगी, 1 2 एंड 3, वो अभी आप देखेंगे। चलो भाई शुरू करो एक बार, और रिजल्ट और देखना आप पंपिंग कितनी बेहतरीन आएगी अभी। चलो थोड़ा और वाइड कर निशान, थोड़ा और वाइड। ये आपको ना अपनी ग्रिप ज़्यादा क्लोज नहीं करनी है, ज़्यादा क्लोज करेंगे तो आपके ट्राइसेप्स स्ट्रेन होगी। अभी आपकी चेस्ट के ऊपर ज़्यादा इफेक्ट आएगा, मतलब 70% चेस्ट के ऊपर और 30% ट्राइसेप्स के ऊपर। चलो आर्म्स के ऊपर, चलो गुड बढ़िया। और ये आपको लगाना है तीन तीन, मतलब सेट में आपको लगाना है। रेपिटेशन आपकी क्या रहेगी, 10 10 10। चलो भाई शुरू करो एक बार, चलो चेंज करो अभी। अब दूसरी चीज़ है आपकी स्ट्रेंथ के ऊपर बात है, अगर आप लोगों की स्ट्रेंथ अच्छी है तो आप 10 से 12 या 15 पर भी जा सकते हैं, 20 पे भी जा सकते हैं सिंगल पोजिशन में। अभी हम लगा रहे हैं 10 से शुरू कर रहे हैं सिंगल पोजिशन में। चलो बहुत बढ़िया, गुड। निशान नीचे जा, पूरा नीचे जा, ये होगी 10। चलो चेंज करो। आप जो गलती कर रहे थे, जैसे अभी निशांत कर रहा था, क्या कर रहा था, अभी नीचे नहीं जा रहा था चेस्ट को लेके। तो जब तक आप पूरा स्ट्रेच एंड स्क्वीज नहीं करेंगे तो आपकी मसल्स के ऊपर उतना लोड नहीं आने वाला है। चल ये आप करो फील, ये वाला जो है सबसे एक्सट्रीम आपकी चेस्ट के लिए। चलो गुड, बहुत बढ़िया, लड़के लगाओ दम। चलो अभी एक लास्ट एक्सट्रीम होने वाला है, 10 हो जाए तब बताना। चलो नीचे जाओ, पूरा होगी, नीचे होल्ड हो जाओ, नीचे होल्ड हो जाओ। चलो हाफ लगाने, नीचे नीचे हाफ लगाओ, 5 5 4 3 2 1। अब खींचो पूरा, करो पैर नहीं टिकने चाहिए, ये देखो। चलो बहुत बढ़िया। तो ये था हमारा पहला वर्कआउट, और मैं आपको बता दूं अगर आप इसी वर्कआउट के तीन सेट लगाएंगे, ये अभी हमारा एक सेट था, तीन सेट आप लगाएंगे। रेपिटेशन भी हमारे 30 थे, कुछ ज़्यादा नहीं था कि हमने 50 या 60 लगवाए हैं, 30 रेपिटेशन में। अभी दिखाओ एक बार, थोड़ा फ्लेक्स करो चेस्ट के साथ, चलो खींच के, बहुत बढ़िया। तो फाइबर्स आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये बिल्कुल नेचुरल है। सो ये था हमारा पहला वर्कआउट, इसके बाद आपको लेके चलते हैं हम दूसरे वर्कआउट के ऊपर, जो हमारा रहेगा रोप क्लाइंबिंग। ठीक है, रोप क्लाइंबिंग के बाद मैं इनको थोड़ा सा पुश करूंगा, वो आप ही आपको देखने मिलेगा इस वीडियो के अंदर। चलो शुरू करते हैं पहला रोप क्लाइंबिंग। चलो भाई पहले एक जाओ जल्दी, दोनों भाई, चलो दोनों चले जाओ, चलो दोनों चले जाएंगे तो हमारा टाइम भी बच जाएगा, वैसे रोप हमारे पास 2 है। चलो गुड, चलो बढ़िया, दम रखो दम रखो, गुड मनीष, चल निशान दम लगा, इजी चल भाई, इतना पी जाएगा कोई ना, आजा बहुत बढ़िया। चलो 10 पुशअप्स लगा दो फटाफट फटाफट, चलो शाबाश, चल निशान पूरा जा, पूरा जा, वाइड कर थोड़ी शोर गिरी, ये अब चल बहुत बढ़िया, नीचे जा पूरा, चल चल 6 7 8 9 1 more 10
चलो बढ़िया। तो ये थे हमारे दो वर्कआउट, अभी मैं लगवाने वाला हूँ तीसरा वर्कआउट और ये भी आप देखेंगे काफी बेहतरीन होने वाला है। अभी मैं आपको तीसरे वर्कआउट के ऊपर लेके चल रहा हूँ। ये हमारा रहेगा बाबा कल और ये भी आपका काफी बेहतरीन वर्कआउट है। ये तकरीबन आपका फुल बॉडी का वर्कआउट हो गया है, पंपिंग आप लोगों को अभी देखने को मिल जाएगी। चलो शुरू करो। चलो बढ़िया। चलो बहुत बढ़िया। अब ध्यान रहे, एक तो आपको मूव नहीं करना है, चल 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 मनीष मूव नहीं करना है। दूसरा आपकी आर्म्स है पीछे नहीं होनी चाहिए, आर्म्स को आगे रखो होल्ड करके और पूरा फील करके लगाना आपको। चल भाई निशान, ये बहुत बढ़िया। चल मनीष गुड। चलो 20 लगाना, रेपिटेशन 20। चल बहुत बढ़िया, फील कर, शाबाश। अगेन आपकी मसल्स का और आपके माइंड का कनेक्शन होना बहुत जरूरी है और अपनी ग्रिप को टाइट रखें। इसको लूज छोड़ देंगे तो आपका आधा वर्कआउट कम हो गया, इसको पकड़ के रखना पूरा। चल भाई चल, कितने हो गए? 18। चल 20 लगा लगा लगा, अब ऊपर लगाने हाफ। चल 5। चल निशांत ऊपर हाफ। 5 4 3 2 वन मोर कर पुश। चल नीचे 5। चल 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 नीचे लगा 5, जल्दी जल्दी हॉप। चल 5 4 3 चल 2 1 बढ़िया। तो अभी अपने लास्ट वर्कआउट में देखा हमने कुछ जो रेपिटेशन है वो चीट किए हैं। तो आप लोग जब लास्ट में आपको पुश करना है तो उस टाइम पे खुद को आप चीट कर सकते हैं, शुरुआत में चीट ना करें। और जो बिगनर्स हैं वो ये गलती ना करें। अभी इन्हें काफ़ी टाइम हो गया वर्कआउट करते हुए, बॉडी भी आप देख रहे हैं काफ़ी अच्छा रेस्पॉन्स पहले से मिला है, तो आप लोग इस चीज़ को कर सकते हैं। ये थे हमारे 3 वर्कआउट, इन 3 वर्कआउट को आप लोग ऐड ऑन कर सकते हैं। मेरे हिसाब से आप लोगों को इनके अंदर ज़्यादा इक्विपमेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेन चीज़ है खुद को पुश करना, अपनी मसल्स को फील करना। आप लोगों के पास कम वेट भी है तो कम वेट से भी आप खुद को डेवलप कर सकते हैं, अपनी अच्छी बॉडी को ग्रो कर सकते हैं। बॉडी बिल्डिंग करनी है वो नेक्स्ट चीज़ है, नेक्स्ट लेवल जाना है वो अलग चीज़ है। बाकी नॉर्मल फिटनेस के लिए आप लोग ये सब चीज़ें कर सकते हैं। अभी मैं कराने जा रहा हूँ मेंस फिजिक की पोजिंग, ये करेंगे फ्री पोजिंग अभी, ठीक है। चलो पीछे थोड़ी आवाज़ आ रही होगी ट्रक वगैरह की, तो उसको इग्नोर करें क्योंकि हमारे जिम जो है वो रोड के पास है। चलो आ जाओ, यहाँ आ जाओ एक बार। क्वार्टर टर्न के साथ ही टर्न होना है, ठीक है। 4 क्वार्टर टर्न है, मैं राइट के साथ कर रहा हूँ, राइट के साथ मतलब ये, ठीक है। और पूरा फ्लो में जल्दबाजी नहीं करनी, अगर मैं क्वार्टर 1 बोल रहा हूँ तो ये करके पूरा आर्म्स के साथ आना है, पूरी बॉडी को एक मूवमेंट फ्लो में। चलो भाई शुरू करें, स्टैंडिंग पोज ले लो एक बार। हाँ कोई भी साइड स्टैंडिंग पोज लो पहले। अभी देख क्वार्टर टर्न मैंने राइट का, तो पहले ये खींच के होल्ड करके रखो इसको। चलो स्माइल के साथ, स्माइल के साथ पकड़ के। चलो अगेन क्वार्टर टर्न टू राइट, आओ लेके ये। चलो लेके आओ बैक को पूरा। चल निशान हाथ नीचे रहेंगे, हाथ नीचे खींच के रख बैक को। चल ये उंगली देख ऐसे ऐसे खींच उंगली को, ये साइड की मसल और खींचेगी, थोड़ा हाथ नीचे। चलो अगेन क्वार्टर टर्न टू राइट, घूमो चला घूम के। चलो बढ़िया, खींच के खींच के मनीष, और खींच पूरा लोअर बैक के साथ, लोअर बैक खींच ना पीछे खींच अब। चल चल बढ़िया, चलो गुड। तो अभी आप लोगों ने देखा पहले के कंपैरिजन में चीज़ें काफ़ी बेहतर हुई है, काफ़ी अच्छी हुई है दोनों की पोजिंग भी, ठीक है। तो अभी क्वार्टर टर्न का इनको थोड़ा सा अभी कराया नहीं गया था, अभी स्टैंडिंग ही है और हमने शुरू किया इस साइड से, ये किया है फिर ये किया है, तो अब ये आना है, ये वाली साइड दिखानी है हमें। मतलब चारों पोजिंग में ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक साइड दिखानी है, अगर इस साइड से शुरू किया है तो इस साइड पे ख़त्म करना है। हाँ। कैसे? हमने इससे किया, लेफ्ट से किया ये, ठीक है। अगेन ये आए ये पकड़ा ये, इस पे ख़त्म करना है, फिर ये हमारा अगेन स्टैंडिंग आ गया, ठीक है। चलो तो आज का वीडियो ये करते हैं, काफ़ी लंबा हो जाएगा और नेक्स्ट वीडियो में आपको दिखाते हैं कि क्या प्रोग्रेस आती है इससे आगे। तो आप लोग भी इन सब वर्कआउट को फॉलो कर सकते हैं, पोजिंग को फॉलो कर सकते हैं। अगेन मैं आपको बता दूं, आप वर्कआउट कर रहे हैं उसको बीच में अगर आप पोजिंग कर रहे हैं तो आपका रिजल्ट और भी बेहतरीन आने वाला है। एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है, आप लोगों ने देखा होगा पहले के टाइम में आपके टाइम में इनकी ग्रोथ भी अच्छी हुई है, मसल मेच्योरिटी भी अच्छी आई है और दूसरा इनका जो बॉडी पोस्चर है वो भी काफ़ी हद तक सुधरा है ना। कुछ कहना चाहोगे भाई? हाँ भाई, यही कहना चाहेंगे कि जो भाई बता रहे वर्कआउट के बीच में पोजिंग करना, इससे मसल मेच्योरिटी बहुत मतलब इम्प्रूवमेंट आया बॉडी में। हम भाई कराते हैं हमें, फिर हम खुद सीख गए, अब हम वर्कआउट के बीच में पोजिंग लगाते रहते हैं, जैसे कि 2 सेट लगाए एक बार। स्ट्रेंथ कैसी हुई है पहले से? स्ट्रेंथ ऐसी हुई है भाई,
अब हमने देखे आपने हम दोनों ने लगाए तीन पोजीशन में 10 10 10 30। शुरू में एक पोजीशन में 10 नहीं लगते थे, 5 ही लगते थे पहले। चलो तो कहने का मतलब ये है, अगर आप शुरुआत कर रहे हैं जीरो से तो आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि मेरे को एकदम 100 पे जाना है। अगर आप जीरो से शुरू कर रहे हैं पहले 1 2 3 और 10 तक, फिर 20 तक 30 तक, एकदम 30 के बाद आप खुद को पुश करेंगे तो 100 तक पहुंचने में आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो धीरे धीरे खुद को पुश करें, अपनी लिमिट्स को पुश करें, खुद को पहचानें, और कभी भी ये ना रखें कि मेरे पास एक्सक्यूजेस कि ये चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें नहीं है। आप लोगों के पास कम साधन भी है तो कभी भी गिव अप ना करें, छोटे छोटे स्टेप लें और धीरे धीरे आगे बढ़ते रहें। तो आप सभी को बहुत सारा प्यार, लव यू ऑल, जय हिंद जय भारत। चलो भाई खींच के, बहुत बढ़िया, एक बार साइड पोज लगाओ एनसीसी वाला, ये बहुत बढ़िया। चलो खींचो स्माइल के साथ, स्माइल होनी जरूरी है, खींचो ये। चलो बहुत बढ़िया।